हेलो एवरीवन, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज से अपन एग्रीकल्चर का नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, एग्रोनॉमी। अपनी हॉर्टिकल्चर फिनिश हो गई है, इसके अलावा जो पशुपालन था, एनिमल हस्बेंड्री, वो भी हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे, ठीक है, वो हमने क्लियर किया है। और इसके अलावा आज अपन पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को बिल्कुल अपन उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी पल्स क्रॉप। पल्स क्रॉप बोले तो दलहनी फसलें। अब देखो बच्चों, दलहनी फसलों से आपके जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और जहां पहले एग्रीकल्चर की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें पूछा गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेट, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सभी में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पॉइंट्स आज अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। एक साथ कवर करेंगे दलहनी फसलों को। इसके बाद जैसे कल की क्लास होगी उसमें अपन ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलों को कवर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एक साथ इनका निचोड़ निकालने की पूरी पूरी अपन कोशिश करेंगे। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए, दलहनी फसलों के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए और अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। बोले तो जीरो से शुरुआत होती है किसी चीज की, तो अपन भी जीरो से शुरुआत करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि जो दलहनी फसलें एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। देखो बच्चों, कुछ चीजें ऐसे होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप उन चीजों को लिख लिया करो, ठीक है। हर चीज को वैसे लिखा नहीं जाता, बोलकर बता भी दिया जाता है, तो इन चीजों को आप नोट कर लिया करो। तो दलहनी फसलें जो होती है, अब देखो बेसिकली ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, आप यकीन नहीं करोगे कि दलहनी फसलें किनका अच्छा स्रोत होती है, तो प्रोटीन्स का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो किनका होती है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, इनसे प्रोटीन अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। अब दलहनी फसलों में मैं बात करूं तो विटामिन भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है मेरे दोस्त? विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब आप बात करोगे कि सर फलों में भी अच्छा होता है, बिल्कुल फलों में भी होता है, लेकिन फसलों में भी विटामिन सी अच्छा होता है, ठीक है भाई। बालकृष्ण, रोहित जी, सुमेर सिंह, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। सुमेर सिंह, देखो जेट की एग्जाम की ऐसी बात है कि अभी तो 8 अगस्त दे रखा है, 8 अगस्त के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है भाई, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये एग्जाम कब होगी जेट की, ठीक है। तो जैसे सुपरवाइजर की बात करें तो 18 सितंबर की फिक्स हो गई है, हो सकता है इसके इर्द गिर्द आपकी एग्जाम फिक्स हो जाए। तो वैसे आप ज्यादा से ज्यादा एक महीना लेके चल सकते हो, इसके बाद आपकी एग्जाम कभी भी फिक्स हो सकती है, ठीक है। वैसे अभी बिल्कुल फिक्स हुई नहीं है कि आपकी कब होगी एग्जाम, डेट अभी फिक्स हुई नहीं, ठीक है भाई। तो देखो, विटामिन सी सबसे अच्छा होता है, इसमें मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा मैं बात करूं, अच्छा विटामिन सी क्या सीधे आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है जो दाने, क्या इनमें पाया जाता है? नहीं, जो अंकुर दाने होते हैं, जैसे आप शाम को मूंग को भिगोया और सुबह क्या हुआ, वो अंकुरित हो गया, तो उस अंकुरित दाने में कौन सा होता है? विटामिन सी होता है बेसिकली। वैसे आपको ऑप्शन में ये चीजें नहीं देगा कि अंकुरित वगैरह, ठीक है, सीधा ऑप्शन में देगा। अब जो दालें होती है, उन दालों में मूंग का आपने नाम सुना होगा, जिसको अपन ग्रीन कहते हैं, मतलब ग्रीन सोना भी कहते हैं इसको, ग्रीन गोल्ड, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है भाई। तो सबसे अच्छा जो पाचन होता है ना, पाचन, वो सबसे अच्छा होता है मेरे दोस्त, गूगल असिस्टेंट 11 जुलाई बता रहा है। अरे 11 जुलाई तो जा चुकी है भाई, 11 जुलाई तो जा चुकी है भाई, इस चीज को अपडेट नहीं किया है, ठीक है सुमेर। 11 जुलाई तो जा चुकी है यार, अभी फिक्स कहाँ होगा, जुलाई तो जा चुकी है। हाँ, अब देखिएगा यहां पर मैं बात करूं शब्दों की, इस चीज को तो अपडेट कर दिया भाई 11 जुलाई को, तो ये तो जा चुका है। इसका मतलब यह है कि जो 11 जुलाई की एग्जाम पहले फिक्स हुई थी, अब ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब वापस से क्या होगा, इसमें अपडेशन होगा और आपकी एग्जाम थोड़ी लेट होगी, 11 जुलाई को नहीं होगी। हाँ ठीक है। अब देखो, बात करे थे विटामिन सी की अंकुरित दानों में होती है और मूंग में सबसे ज्यादा होती है। मूंग कैसी फसल होती है? पाच्य फसल होती है, इसमें पाच्य प्रोटीन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बीमार हो गया या कोई बूढ़ा आदमी है, तो उनको सबसे ज्यादा कौन सी दाल खिलाई जाती है? मूंग की दाल खिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका पाचन जल्दी होता है। आपने देखा होगा कोई भी बीमार हो जाता है, रोगी इंसानों को, रोगी मनुष्यों को सबसे ज्यादा जो दाल खिलाई जाती है वो मूंग की। अरे भाई खिचड़ी तो जानते हो ना यार आप, तो खिचड़ी में सबसे ज्यादा कौन सी दाल यूज करते हैं? मूंग वाली, जिसको आप छिलका वाली कहते हो, तो इसका पाचन जल्दी होता है, ठीक है। हाँ ओके, बिल्कुल सही।
अब देखो मैं यहां पर बात करूं कि जो दलहनी फसल है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है आपकी यूपी, यूपी में कहां पर, कानपुर में। चलो बात कर लेते हैं इनकी थोड़ी बहुत, तो स्टार्ट करते हैं इनका बेसिकली आज जो बेसिक इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पल्स क्रॉप। पल्स क्रॉप, अब देखिएगा मेरे दोस्त यहां पर मैं बात करूं किस शब्दों की। पल्स क्रॉप का बेसिक हमने देखा कि इनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, और अपन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दलहनी फसलें। क्या कहते हैं, दलहनी फसलें। अब देखो दलहनी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, ये भी बेसिकली आपको पता होना चाहिए। जो दलहनी शब्द है ना मेरे दोस्त, ये पुर्तगाल भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से, पुर्तगाल भाषा से लिया गया है, ध्यान रखना। जो दलहनी शब्द है, दलहनी शब्द, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ये पुर्तगाल भाषा से लिया गया है, ठीक है भाई, पुर्तगाल भाषा से, क्लियर। इसके अंकुरित दानों में विटामिन सी होता है, अंकुरित दानों में विटामिन सी होता है, ठीक है। पाच्य फसल कौन सी है जिसका पाच्य सबसे जल्दी हो जाता है, पाच्य फसल, तो पाच्य फसल है मेरे दोस्त आपकी मूंग। कौन सी है भाई, मूंग, ठीक है। कलर इसका ग्रीन होता है बेसिकली, आप सभी जानते हो। ओके, अब देखिएगा यहां पर अपन और बात करें कि इसमें आपका जो दलहन, दलहन वर्ष है वो कब मनाया गया। दलहन वर्ष भी देखो मनाया गया था, वो 2016 में मनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। दलहन जो वर्ष है मेरे दोस्त वो कब मनाया गया था, 2016 में मनाया गया। रामनिवास हरचंद, गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। दलहन वर्ष कब मनाया गया था, देखो वर्ष भी मनाया गया था, वो कब मनाया गया था, 2016 में मनाया गया, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करूं कि जो दलहनी अनुसंधान है वो कहां पर आपका, कानपुर। सबसे ज्यादा दलहन वहां पर होता है, दलहन सबसे ज्यादा कहां पर होता है मेरे दोस्त, कानपुर। और कानपुर कहां पर पड़ता है, यूपी में। कानपुर कहां पर पड़ता है, यूपी में। अब देखो आप सभी को पता है कि जो दलहनी फसलें हैं वो एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, चलो उसको भी देख लेते हैं। दलहनी फसलें किसका स्रोत होती है मेरे दोस्त, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, कोई दिक्कत, ठीक, अच्छा स्रोत होती है, ठीक है भाई। अब देखो दलहनी फसलों से मेनली क्वेश्चन कहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो दलहनी फसलें दाल मतलब प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, तो इनमें प्रोटीन परसेंटाइल होगा, एक तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, बीज दर से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, बोटनिकल नेम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। सुशीला गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। तो आपका दलहन वर्ष 2016 में मनाया गया था, दलहन सबसे ज्यादा कानपुर में होती है और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, ओके ये हमें पता चल गया। अब देखो यहां पर मैं बात करूंगा कटाई सूचकांक, कटाई सूचकांक की बात करते हैं क्योंकि कटाई सूचकांक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कटाई सूचकांक। अब देखो कटाई सूचकांक होता क्या है, जब फसलों की कटाई करते हैं, कटाई सूचकांक जिससे फसल कितने दिनों में मतलब पक जाती है और लगभग कितने समय के बाद इसकी कटाई करनी चाहिए, जो बीज इस फलियों में लगे हैं वो फल है मतलब वो कितने दिनों में पक जाएंगे, और उस फसलों की इन पौधों की कटाई उसके अकॉर्डिंग अपन करते हैं, तो वो कटाई सूचकांक फसलों की अलग अलग होती है, कुछ अपवाद भी होती है, उसकी भी अपन यहां पर बात करने वाले। तो देखो सभी दलहनी फसलों का अपन निचोड़ निकाल रहे हैं, तो एक साथ एक बात करेंगे कि सभी दलहनी फसलों का जो कटाई सूचकांक है वो 30% होता है, कितना होता है मेरे दोस्त, सभी दलहनी फसलों का कटाई सूचकांक। देखो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी दलहनी फसलों का कटाई सूचकांक कितना होता है मेरे दोस्त, 30% होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, 30% होता है, कोई दिक्कत। इसके अलावा एक अपवाद है यहां पर, अपवाद कौन सा है, अरहर। अपवाद कौन सा है भाई, अरहर, चलो उसके भी बात कर लेते हैं। अरहर यहां पर अपवाद है मेरे दोस्त, अपवाद। अब देखो अपवाद तो हर जगह होते हैं भाई, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट देख लो, अपवाद बुक्स में भी होते हैं तो वैसे भी होते हैं, पर्टिकुलर आप जनरली जानते हैं, तो चलो अपवाद की बात कर लेते हैं, ध्यान रखना दोस्त। अपवाद का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका पूछा जाता है, अपवाद से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अपवाद चीज ही अलग ऐसी है, हट के है। तो अपवाद कौन सा है मेरे दोस्त, आपका अरहर, के जेनस के जान। अरहर में कितना होता है, 19% होता है, कितना होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये कटाई सूचकांक,
तो बिल्कुल मैंने एक साथ निचोड़ निकाला है मेरे दोस्त, अब शायद मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। सभी दलहनी फसलों का कटाई सूचकांक 30% होता है और जो अपवाद है वो अरहर इसका 19% होता है। ठीक है भाई। मुकेश चौधरी, शुष्क खेती बिल्कुल, ड्राई फार्मिंग करवाएंगे, एग्रोनॉमी चल रही है, बिल्कुल भाई बिंदास रहो यार, सारी चीजें करवाएंगे। कमलेश यादव, गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2021, बिल्कुल सही है। हाँ रामनिवास, बिल्कुल करवाएंगे, एनसीईआरटी की जो बुक्स, आपका सिलेबस आ गया है उसके अकॉर्डिंग आपको 12th का सिलेबस करवाएंगे। आप बिल्कुल कंटिन्यू जुड़िए उत्थान साइंस अकेडमी से। ठीक है भाई, बिंदास रहिए, मस्त तरीके से आपको पढ़ाएंगे, क्लास की क्लास में याद करवा देंगे यार, क्या मजे ले। ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग डेफिनेटली करवाएंगे। एक बार क्रॉप को अपन फिनिश कर दे, उसके बाद में जो इंपोर्टेंट्स जो आपके पॉइंट्स है उसको अपन करेंगे। अब देखो यहां पर नेक्स्ट, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके कॉम्पिटिशन में कि दलहनी फसलों में उस फसल का नाम बता दीजिएगा जिसमें सबसे पहले संकर किस्म विकसित की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया ऐसा भी, आप यकीन नहीं करोगे कि उस फसल का नाम बताइए जिसमें दलहन फसलों में बात है, ठीक है, उनमें प्रथम हाइब्रिड वैरायटी कौन सी विकसित की गई थी और किस फसल में की गई थी, ध्यान रखना। तो प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म तो कौन सी है सभी दलहन फसलों में, ICPH8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ICPH8। अच्छा ये कौन सी फसल में है, अरे भाई अरहर में है, केजनस केजान में है, ठीक है, केजनस केजान में। तो अरहर यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर दो क्वेश्चन पुटअप हो गए यहां पे, एक तो अरहर का और एक वैरायटी का। अरहर का क्वेश्चन कैसे बनता है मैंने आपको बता ही दिया कि उस फसल का नाम बताइए जिसमें सबसे पहले संकर किस्म विकसित की गई थी और उस किस्म का नाम भी बता दो, तो दोनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ क्लियर करवा दिया। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम मुकेश चौधरी 18 सितंबर को ही होगा, अभी तो यही डेट है और आप इसी डेट को लेकर तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपकी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करते हैं आपका 21 सेट। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राम में कि 21 सेट कहां पर है, 21 सेट कहां पर है, चलो बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट। देखिए सबसे पहले कौन बताता है कि 21 सेट जो इंस्टीट्यूट है आपका ये कहां पर है मेरे दोस्त, चलो बताइएगा यहां पर, चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले कौन बताता है कि 21 सेट कहां पर है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यार, फुल फॉर्म देके आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, शॉर्टकट में देके पूछेगा आपको। ठीक है, तो बता दीजिएगा, देखिए चेक करते हैं सबसे पहले कौन देता है इसका आंसर, लेकिन राइट ही होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो देखते हैं यहां पर, बताओ भाई फटाफट बताओ। हिंदी में भी काफी जगह ऐसे मिलेगा आपको, डोंट वरी। इकरी सेट ठीक है, ऐसे भी हिंदी में मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, क्योंकि काफी बार एग्जाम में फुल फॉर्म ना देके आपको शॉर्टकट में देगा। आपकी जेट के एग्जाम 2020 में देख लो, बर्दाश्त से इंजीनियरिंग का आपको पूछा गया था इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो शॉर्टकट में देके पूछा जाता है काजरी कहां पर है, जैसे फुल फॉर्म थोड़ी देता है, काजरी हिंदी में भी लिखा होता है, आफ भी हिंदी में लिखा होता है, CAZRI ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, मीना ने सही बताया, हैदराबाद में भाई, कहां पर हैदराबाद में, तो काफी इंपोर्टेंट है ये हैदराबाद। 21 सेट कहां पर है मेरे दोस्त, हैदराबाद। चलिए इसकी फुल फॉर्म की भी बात कर लेते हैं कि सर इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड मतलब सूखा और टी से क्या हो गया ट्रॉपिकल। ठीक है मेरे दोस्त, फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी क्रेड, फोर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, और ये कहां पर है मेरे दोस्त, ये आपका हैदराबाद में। ठीक है भाई, चलिए हिंदी में भी बता देते हैं आपका अंतरराष्ट्रीय है, काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हिंदी में भी बता दो हमें, अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय फसल, अब सेमी एरिड था तो सेमी का मतलब अर्ध और एरिड का मतलब शुष्क, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण
कटिबंधीय अनुसंधान, ठीक है भाई। ये लो हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया है और इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इक्रीसेट कहां पर है? ये आपका हैदराबाद है, राम राम है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इक्रीसेट है सर, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना स्थापित कब हुआ था, तो 1972 में। स्थापना कब हुई भाई? 1972 में इसकी स्थापना हुई, बिल्कुल हाँ सही है, हैदराबाद, हाँ बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। अब देखिएगा सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जहां से दलहनी फसलों में सदाबहार क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जेट आई सर बी एच यू हो, सुपरवाइजर डब्ल्यू एओ, अरे भाई सभी में पूछा जाता है यहां से। और क्वेश्चन क्या होगा? अंकुरण। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? अंकुरण की बात करते हैं यहां पर कि अंकुरण किस प्रकार का होता है दलहनी फसलों में, अंकुरण के आधार पर कौन कौन से प्रकार है। तो चलिए अंकुरण के बात कर लेते हैं, और है भी इंपोर्टेंट, हाँ, सोइल में आर्गन का परसेंटाइल 0.93% होता है, बिल्कुल मुकेश चौधरी सही है, आर्गन परसेंटाइल सही बात। अब देखो सर यहां पर जो अंकुरण का प्रकार है दो प्रकार का होता है, एपीजेल और हाइपोजेल। चलो बात कर लेते, कंपेरिजन में एक साथ बात करेंगे और ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आप, एपीजेल और हाइपोजेल, ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक जिसको कहते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है हाइपोजेल, एपीजेल और हाइपोजेल। चलो इसको कंपेरिजन करके देख लेते कि है क्या सिस्टम है। अब देखिएगा मेरे दोस्त यहां पर आराम से बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। एपीजेल और हाइपोजेल दो प्रकार का जर्मिनेशन होता है, किसमें? पल्स क्रॉप में, एपीजेल और हाइपोजेल। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी दलहनी फसल में एपीजेल अंकुरण होगा, या डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मूंग फसल में कौन सा अंकुरण पाया जाता है, मूंग कैसी फसल है, एपीजेल है हाइपोजेल है। तो देखिएगा मेरे दोस्त बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको अपन देखेंगे। आप देखो पहले यह समझो कि एपीजेल हाइपोजेल होता क्या है भाई। तो देखो मेरे दोस्त मान लीजिए आपने लगाया बीज, क्या लगाया मेरे दोस्त यहां पर? बीज लगाया, और बीज को लगाने के बाद इसका क्या होगा? अंकुरण तो होगा भाई, आप सभी को पता है अंकुरण तो होगा यहां पर डेफिनेटली। तो ये लो सर इसका अंकुरण हुआ, तो अंकुरण होने के बाद यदि सीड कोट निकलता है यहां पर, क्या निकलता है यहां पर? सीड कोट। ये बहुत जबरदस्त चीज है, काफी बच्चों को पता नहीं होता कि सर ये होता क्या है एपीजेल हाइपोजेल। तो सीड कोट, सीड कोट का मतलब बीज पत्र, ठीक है भाई, क्या होता है? बीज पत्र होता है। एपीजेल अंकुरण क्या होता है कि बीज लगाया, बीज लगाने के बाद यदि सीधी पत्तियां ना निकले, लीफ नहीं निकला, यहां पर क्या निकला? सीड कोट निकला, बीज पत्र निकला है, तो वो जर्मिनेशन कौन सा होगा? एपीजेल होगा। चलो बात कर लेते हैं यहां पर सेकंड नंबर हाइपोजेल। ये लो साहब हमने क्या लगाया? बीज लगाया, क्या लगाया मेरे दोस्त? बीज लगाया, और बीज का क्या हुआ? अंकुरण हुआ, और अंकुरण होने के बाद यदि डायरेक्ट यहां पर लीफ निकलती है, क्या निकलती है? पत्तियां। ये क्या है मेरे दोस्त? पत्ती है, क्या है भाई? पत्ती। दोनों का डिफरेंट हमें पता लग गया कि यदि सीड कोट पहले निकलता है तो एपीजेल होगा, और डायरेक्ट यदि पत्तियां निकलती है तो कौन सा होगा मेरे दोस्त? आपका हाइपोजेल होगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद है, हाँ, मूंग में एपीजेल अभी देखेंगे भाई सभी को, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली जनरली कि एपीजेल और हाइपोजेल होता क्या है, अब देखते हैं कि एपीजेल में कौन कौन सी फसलें आती है और हाइपोजेल में कौन कौन सी आपकी क्रॉप्स आती है। तो चलिए बात करते हैं यहां पर, नंबर वन है यहां पर एपीजेल, एपीजेल, एंड नंबर सेकंड है हाइपोजेल, हाइपोजेल। अब देखिएगा मेरे दोस्त यहां पर एपीजेल, अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि फसलों को रटते रहते हैं, मूंग में ये होगा, उड़द में ये होगा, चने में ये होगा, मसूर में ये होगा। जब मसूर तक पहुंच गए तो चने को भूल जाओगे, और जब तक चने को पढ़ोगे तब तक मूंग को भूल जाओगे, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो एक साथ कवर करते हैं मेरे दोस्त, तो चलिए देखिएगा यहां पर एक साथ अपन फसलों को कवर करें, मतलब सीधी सी बात है निचोड़ निकालेंगे भाई, हर फसल का क्या निकालेंगे? निचोड़ निकालेंगे यहां पर, हाँ, अधोभूमिक चने में, ओके, हैदराबाद उड़द में एपीजेल, हाँ बिल्कुल बात करते हैं यहां पर। अब देखो एपीजेल में कौन कौन सी फसलें आती है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, खरीफ वाली फसलें, ये लो सर लफड़ा खत्म, खरीफ वाली फसलें। तो सर हाइपोजेल में कौन सी आती है? पैर बच गया जो रबी वाली, रबी वाली फसलें।
अब तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि सर खरीफ वाली कौन कौन सी फसल है तो रबी वाली कौन कौन सी फसल है। देखो तो ये तो आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा, यदि ये भी चीज याद नहीं है तो फिर खरीफ और रबी का कोई मतलब नहीं है, ट्रिक आपके कोई काम नहीं है। बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ वाली फसलों में कौन सा होता है अंकुरण, एपीजेल होता है, और यदि रबी वाली फसलें आ जाए तो वहां पर अंकुरण कौन सा होगा, हाइपोजेल। लेकिन सभी में नहीं है, यहाँ पर अपवाद भी आएंगे उसकी भी अपन बात करेंगे यहाँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नंबर सेकेंड, नंबर सेकंड पर यहाँ पर आता है कि एग्जाम्पल कौन कौन से सर, एग्जाम्पल खरीफ में कौन कौन सी आती है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर मूंग, मोठ, उड़द और अरहर, कौन सी आती है, मूंग, मोठ, उड़द और अरहर। अच्छा यहां पर अपवाद भी है क्या, अरे भाई बिल्कुल अपवाद है, अपवाद कौन सा है तो देखिएगा यहां पर। तो देखो ट्रिक यहां पर याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे भाई। ऐसे तो क्या होता है, ऐसे अपवाद, ऐसे अरहर, कोई दिक्कत, अरे भाई दिक्कत है क्या, ऐसे तो अरहर और ऐसे क्या हो गया अपवाद, अपवाद कौन सी है अरहर, और अरहर में कौन सा होता है, हाइपोजेल होता है, कौन सा होता है भाई, हाइपोजेल होता है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ नंबर सेकंड, यहां पर हाइपोजेल, यहां पर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से है। तो देखिएगा यहां पर रबी में चना, रबी में कौन कौन से आती है, चना, मटर, मसूर और राजमा, राज की माँ, ठीक है भाई। तो रबी में कौन कौन सी फसलें आती है, चना आ गया, मटर आ गया, मूंग आ गया, ठीक है, चना, मटर, मसूर और आपका राजमा, ओके। अब देखो जो खरीफ वाली फसलें थी इसके अपन और यहां पर जोड़ सकते हैं, इसके अलावा गवार हो गया, सोयाबीन में इसमें आती है, ध्यान रखना सोयाबीन में इसी में आती है, ठीक है भाई। और इसके अलावा मूंगफली आपकी यहां पर आई जाएगी, मूंगफली। अब देखो आप तो बात करोगे कि सर जो मूंगफली है वो तो तिलहनी फसल है, सोयाबीन में तिलहनी फसल है, लेकिन भाई लेग्यूमिनेसी कुल में तो आती है, अपन यहाँ पर लेग्यूमिनेसी कुल की तो बात करें, डोंट वरी। तो गवार भी किस में आता है, खरीफ में आता है, सोयाबीन भी खरीफ में आती है, मूंगफली भी खरीफ में आती है। तो एग्जाम्पल की हमने बात कर ली, बस आपको आपका ध्यान रखना अरहर, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ पर चना, मटर, मसूर और राजमा। अब चलो यहाँ पर अपवाद की बात कर लेते हैं कि इसमें भी अपवाद है क्या, अरे भाई बिल्कुल है, अपवाद कौन है, राजमा, अपवाद कौन सा है यहाँ पर, राजमा है, राजमा। अच्छा राजमा में कौन सा होता है अंकुरण, एपीजेल होता है, कौन सा होता है मेरे दोस्त यहाँ पर, एपीजेल, कौन सा होता है, एपीजेल, यहाँ पर जर्मिनेशन होता है, ठीक है भाई। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया हो, ठीक है। एपीजेल और हाइपोजेल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्यूशन तो आता ही आता है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन का मामला ज्यादा रहता है, एपीजेल कौन सी है, हाइपोजेल कौन सी है, हाइपोजेल कौन सी है, एपीजेल कौन सी है, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाला जो मामला था मैंने बिल्कुल दूर कर दिया आपका, ठीक भी, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर, ये थोड़ा सा हमने देखा है इसका जर्मिनेशन। अब आ जाइएगा नेक्स्ट यहां पर ओरिजिन पैलेस की बात करते हैं। अब बात करोगे कि सर ओरिजिन पैलेस सभी फसलों का क्या एक होता है, कुछ अपवाद भी है, ठीक है बात कर लेते हैं यहां पर, अपवाद की बात है मेरे दोस्त यहां पर वो भी बात करेंगे। ओरिजिन पैलेस में सभी सभी दलहनी फसलों का ओरिजिन पैलेस क्या है, भारत है भाई, कौन सा है, भारत, इंडिया, सभी दलहनी फसलों का भारत, लेकिन कुछ अपवाद भी है वो देखिएगा यहां पर, कौन सा अपवाद। अब देखो एक चीज तो यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, चने की बात करते हैं, चने का, चने की मैं यहां पर बात करता हूं, चने का ओरिजिन पैलेस भारत है, चलो ठीक है, लेकिन ये किसके अनुसार है, कोई वैज्ञानिक का नाम भी है क्या, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डी कैंडोल, किसका है मेरे दोस्त, डी कैंडोल, कोई दिक्कत, डी कैंडोल यहां पर क्या आएगा मेरे दोस्त, आपका वैज्ञानिक आएगा, और इस वैज्ञानिक के अनुसार यहां पर ओरिजिन पैलेस क्या है, इसका भारत है, ठीक है। अब यहां पर अपवाद की बात कर लेते हैं, आ जाइएगा यहां पर, देखो भाई यहां पर अपवाद कौन कौन से हैं, चलो बता दो देखिए एक बार फटाफट कि अपवाद कौन कौन से, यहां पर अपवाद की अपन यहां पर बात करते हैं,
बताइएगा फटाफट। अपवाद स्वरूप किस किस को याद है? चलो देखते हैं। क्या सर सभी दलहनी फसलों का ओरिजिन पहले इस भारत है? अरे भाई कुछ तो अपवाद होंगे, यदि मैंने यहां पर लिखा है तो डेफिनेटली यहां पर क्या होंगी, अपवाद भी होंगी। तो बताओ फटाफट। ओके चलो कोई ना, देखिएगा यहां पर अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके अपवाद की। दो फसलें कौन कौन सी यहां पर देखिएगा, एक तो है चौला, एक तो कौन सा मेरे दोस्त यहां पर आपकी चौला, ठीक है, और एक अरहर। दो फसलें हैं, नंबर वन पे आती है चौला और एक आती है मेरे दोस्त यहां पर अरहर। चौला और अरहर का जो ओरिजिन पहले से वो कौन सा है मेरे दोस्त आपका, अफ्रीका। चावला और जो अरहर है उसका ओरिजिन पहले से कौन सा है, अफ्रीका। कौन सा है भाई, अफ्रीका है। और आ जाइएगा इसके अलावा एक फसल और आती है आपका काबुली चना। अरे भाई नंबर सेकंड पे कौन सा आता है, काबुली चना। काबुली चना का जो ओरिजिन पहले से है वो कौन सा है मेरे दोस्त, काबुली चने की बात करते हो तो यहां पर अफगानिस्तान आता है। कौन सा आता है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ध्यान रखना इंपोर्टेंट है अफगानिस्तान। सभी दलहनी फसलों का ओरिजिन पहले से लोग बात कर लेते हैं भारत है, लेकिन कुछ फसल ऐसी है जैसे चावला और अरहर, इन दोनों का ओरिजिन पहले से कौन सा है मेरे दोस्त आपका, अफ्रीका है। ओके रामनिवास, बस आप तो जुड़े रहो भाई उत्थान साइंस अकेडमी से, आपका भला हो जाएगा ये मान के चलो। जिसकी भी तैयारी होगी उसमें सिलेक्शन आपका डेफिनेट है, बस जुड़े रहेगा कंटिन्यू, बस गारंटी ये है। अच्छा सर ये बताओ कि ओरिजिन पैलेस जो अफ्रीका है, अच्छा कुछ और फसलों का भी है क्या, वो भी सर हमें बता दो ताकि याद करने में कोई समस्या नहीं हो। देखो मेरे दोस्त आपका तिल, तारामीरा, अरंडी, इसके अलावा बाजरा, ठीक है, इन सभी का जो ओरिजिन पैलेस है वो पता है क्या है, वो अफ्रीका है। क्या है मेरे दोस्त, अफ्रीका, ठीक है। जवार भी यहां पर आती है, तो इन सभी का क्या है ओरिजिन पैलेस, अफ्रीका। चलिए ये हमने बात किया, अब आ जाओ यहां पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके गुणसूत्रों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गुणसूत्रों की। हां कमलेश यादव बिल्कुल अफगानिस्तान, रामनिवास धन्यवाद भी, ओके सौधरी धन्यवाद भी। चलो यहां पर अब बात कर लेते हैं इसके गुणसूत्रों की कि सभी रब्बी वाली फसलों में, सभी रब्बी वाली फसलों में, देखो यहां पर मैं हेडिंग ही डाल देता हूं जिससे आपको भी कंफ्यूजन वाला मामला नहीं रहेगा, ठीक है। गुणसूत्र, गुणसूत्र, क्रोमोसोम नंबर, उसको भी एक साथ ही डिफाइन करेंगे यहां पर भाई, अपना तो काम ये निचोड़ निकालना, समझे कि नहीं समझे। तो देखो पहले तो बात करते हैं रबी वाली फसलें, नंबर सेकंड पे बात करेंगे यहां पर खरीफ वाली फसलें। तो निचोड़ निकालने का काम मतलब यह है कि सारी फसलों को कंपेरिजन करके एक साथ दे दो सर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो भाई 2n बराबर, 2n बराबर रबी वाली फसलों का होता है सर यहां पर 14, कितना होता है 14, और जो खरीफ वाली है इसका होता है 22, कितना होता है मेरे दोस्त 22। क्या सभी दलहनी फसलों में जो रबी फसलें उनका होता है, बिल्कुल नहीं भाई, अपवाद है काबुली चना। अपवाद कौन सा है भाई, काबुली चना। देखो भाई अपवाद आपको हर जगह मिलेंगे, अपवाद कौन सा है, काबुली चना। और काबुली चने में कितना है मेरे दोस्त आपके 16, 16, ठीक है भाई, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा हो। राहुल यादव गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। तो ये हमने गुणसूत्रों की बात की है, अब आ जाओ इसके एक इंस्टीट्यूट की भी बात कर लेते हैं यहां पर, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इसका इंस्टीट्यूट कहां पर है आपका, कानपुर, लेकिन उसका नाम क्या है शॉर्टकट भी बता दो हमें। तो देखो भाई शॉर्टकट की बात करते हैं तो IIPR, IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स क्रॉप, इंग्लिश में क्या कहते हैं दलहनी फसलों को, पल्स क्रॉप कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स क्रॉप,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स क्रॉप, और ये कहां पर है मेरे दोस्त? कानपुर। कहां पर है भाई? कानपुर है। और कानपुर कहां पर पड़ता है मेरे दोस्त? यूपी में पड़ता है। ठीक है भाई, ओके, बिल्कुल सही है, यूपी में है। चलो बात कर लिया, अब ये आ जाएगा यहां पर मेरे दोस्त, इसमें बात करते हैं इसके फैमिली की बात करते हैं यहां पर मेरे दोस्त। बॉटनिकल नेम की भी बात करेंगे, डेफिनेटली आप बिंदास रहिएगा। फैमिली की बात करते हैं तो सभी दलहनी फसलें, उन सभी का कुल क्या है? फेबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी। तो फैमिली क्या है? फेबेसी। और फेबेसी का जो दूसरा नाम है मेरे दोस्त वो है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी मीना को ले गई। अब देखिएगा सर, यहां पर एक सब फैमिली भी होती है जिसको अपन कहते हैं उपकुल। क्या कहते हैं भाई? उपकुल। चलो एक बार इसका कलर में थोड़ा डिफरेंट डाल देता हूं यहां पर, जिसका आपको दिख जाएगा। ठीक हो? ओके भाई, यहां पर देखो उपकुल की यहां पर मैं बात करता हूं कि सर इन सभी दलहनी फसलों का कोई उपकुल भी होता है? बिल्कुल होता है। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं, होता है वो क्या? पेपी लियोनेसी। ठीक है मेरे दोस्त, फैमिली तो क्या होती है? फेबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी, लेकिन इसकी सब फैमिली भी होती है एक पेपीलियोनेसी। इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये हमने बात किया इसके ओरिजिन पहले, इसके बारे में और फैमिली के बारे में। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कि सभी दलहनी फसलें, अब यहां से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में जो वैकेंसी हुई थी उसमें से यहां से क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिएगा। अजय यादव गुड मॉर्निंग भाई, राहुल बिल्कुल गुड मॉर्निंग। अब देखिएगा सर, यहां पर सभी दलहनी फसलें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है क्या सर? सभी दलहनी फसलें करती है क्या? फिर क्वेश्चन कहां से पूछा गया था? क्वेश्चन अपवाद से पूछा गया था। ये बात तो मैंने पहले ही क्लियर करवा दी थी आपको शुरुआत में दोस्तों, अपवाद से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो चाहे हिंदी हो, हिंदी में आपकी जो संधि वगैरह आती है, समास वगैरह आता है, उपसर्ग आते हैं, प्रत्यय आते हैं, उनमें कुछ अपवाद भी है कि पहले शब्द में ये लग जाता तो उसको उपसर्ग कहते हैं, इसको बाद में लगता है तो पहले प्रत्यय वगैरह। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी कुछ अपवाद होते, संधि में भी अपवाद होते कि सर टूट टाट के ये बनती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ शब्द ऐसे होते जिसकी संधि नहीं होती, टूटते ही नहीं है। तो अपवाद आपको हर जगह मिले, समझ गए मेरी आप भावना, आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो देखिएगा यहां पर जो अपवाद आने वाला है मेरे दोस्त वो कौन सा? राजकीमा। अपवाद कौन सा है? राजमा है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है भाई, समझ गए होंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती राजमा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। ठीक है भाई, तो सर नाइट्रोजन स्थिरीकरण यदि नहीं करती है तो फिर इसमें काम क्या करते हैं, मतलब इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करते हैं? बिल्कुल देखिएगा, यहां पर नाइट्रोजन काम में लेते हैं 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर। क्या काम में लेते हैं यहां पर? नाइट्रोजन। समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर में पूछा गया है भाई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया था कि राजमा में प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हुआ? 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमने बात की है, अब आ जाओ यहां पर प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी फसल में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है। चलो एक साथ देखेंगे क्योंकि प्रोटीन से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्त, यहां पर पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है उस फसल का नाम बताइए। बताओ दे कि कौन सी फसल है। इंदिरा सिंह गुड मॉर्निंग भैया। संजय बिल्कुल 120 किलोग्राम बिल्कुल, अरे वाह भाई। देखो भाई, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, 40% होती है, और 40 का आधा कितना होता है? 20। तो 20 क्या हुआ इसमें? तेल की मात्रा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है कि 40 ना मिलके आपको 40 से 42 ऑप्शन में मिल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑप्शन गलत है, फिर उसके आसपास को अपन देखेंगे। ठीक है, तो 40 से 42 होती है यहां पर। तो चलो बात कर लेते हैं यहां पर किस फसल में कैसी होती है।
सोयाबीन, देखो सोयाबीन दलहनी फसल है और तिलहनी भी फसल है, लेकिन इसको अपन तिलहनी में देखेंगे, ठीक है, यहां पर केवल दलहनी फसलों को देखेंगे। तो देखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर देखते हैं सबसे पहले मटर और मसूर, मटर और मसूर, और इसमें जो प्रोटीन का परसेंटाइल होता है वो 25% होता है। देखो मेरे दोस्त, आपको जो डाटा मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मिलेंगे, इसमें कंफ्यूजन वाला मामला कुछ भी नहीं। हो सकता है आपने कोई बुक पढ़ा हो और इसमें कोई करेक्शन वगैरह हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको यही डाटा मिलेगा। एग्जाम में क्या होता है, अब देखो यहाँ पर मटर में आपको 25% प्रोटीन होती है, लेकिन वहां पर 25 ना मिले, 24 मिल जाए, 24 से 26 मिल जाए, तो कौन सा करना होगा, 24 से 26। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 24 तो सर उड़द में होती है, तो फिर मटर में कैसे करेंगे, फिर वो भाई अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इसके आसपास की संख्या कौन सी है, ठीक है, तो जल्दबाजी में गलत मत कर दे रहा हूं। तो यहां पर कितना होता है, 25% होता है मटर और मसूर में, जो सबसे ज्यादा, केवल दलहनी फसलों की बात कर रहा हूं, वैसे सबसे ज्यादा सोयाबीन में होती है वो दिक्कत, ठीक। मटर मसूर में हमने देखा, अब आ जाओ इससे कम किस में होती है, नंबर सेकंड आती है मेरे दोस्त उड़द। नंबर सेकंड पे कौन सी आती है, यहां पर उड़द। उड़द में कितना होता है भाई, उड़द में होता है यहां पर 24। उड़द में कितना होगा भाई, 24। राम निवास, 12th एग्रीकल्चर एनसीईआरटी का सिलेबस के बारे में बताएंगे आपको, डेफिनेटली सिलेबस भी बताएंगे और 12th का सिलेबस भी अपन स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। उड़द में यहां होता है 24%, कितना होता है भाई, 24। अब देखिएगा यहां पर नंबर थर्ड पे आते हैं, और नंबर थर्ड पे हमें क्या मिलेगा, यहां पर चावला, और चावले को अपन क्या कहते हैं, लोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, चावला या फिर लोबे। हाँ रामनिवास, बिल्कुल भाई, आप बिंदास रहिएगा यहां पर, ठीक है। अब देखो चावला से पहले अपन यहां पर मूंग को देखते हैं, क्योंकि मूंग में थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखिएगा यहां पर मूंग में होता है, हाँ नंबर थर्ड पे आता है यहां पर मूंग में कितना होता है भाई, 23 से 25% होता है। कितना होता है, 23 से 25% होता है। फिर आता है यहां पर नंबर फोर चावला या फिर लोबिया, चावला या फिर लोबिया। अच्छा चावला और लोबिया को एक ही कहते हैं, इसमें आपका कंफ्यूजन वाला मामला नहीं होना चाहिए। इसमें होती है बिल्कुल फिक्स 23%, कोई दिक्कत। वैसे मूंग में आपको 23 से 25 ना मिलकर 23 मिले तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अराउंड, ठीक है, इसमें आसपास की संख्या दी गई है, तो मूंग और चावला में लगभग बराबर से होती है, ठीक है सर। आगे चलिए, आगे चलते हैं, तो आता है अपना चना, राजा, दलहनी फसलों का राजा क्या है, चना है। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं चना, और चने में कितनी होती है भाई, बिल्कुल फिक्स है 21% होती है। कितनी होती है, 21%। चलिए आ जाएगा यहां पर अरहर, अरहर में कितना होता है, नंबर सिक्स अरहर, अरहर में होता है यहां पर 20 से 21%। कितना होता है मेरे दोस्त, 20 से 21। एंड लास्ट है यहां पर मोठ, तो देखो मोठ है 6 से 18, मोठ है 18, ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। तो यहां पर 18 से 22.5% हो, कोई दिक्कत। तो ये है आपके प्रोटीन का परसेंटाइल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहां से मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। हाँ मूंग में बिल्कुल, रामनिवास, अतुल कुमार गुड मॉर्निंग भी, ठीक है। तो देखो ये हमने बात की इसके प्रोटीन की परसेंटाइल की, अब आते हैं अपन अन्य नाम, क्योंकि आपके अन्य नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि किस फसल का क्या नाम है अन्य नाम से, काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो चलो इसका निचोड़ निकाल लेते हैं यहाँ पर एक साथ। तो देखो सबसे पहले राजा की बात करते चना, तो देखो भाई जो चना है इसको अपन कहते हैं चिकपी, क्या क्या कहते हैं, चिकपी ग्राम और बंगाल ग्राम भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिएगा इसके अन्य नाम की बात कर लेते हैं यहां पर, जैसे चना और जैसे चिकपी, चिक वैसे गालों को भी कहते हैं, एक हो गया ग्राम GRAM जिसको कहते हैं, तीसरा नाम आता है बंगाल ग्राम, ठीक भाई बंगाल ग्राम, उम्मीद है कोई कंफ्यूजन वाला मामला नहीं रहेगा यहां पर। तो चना है वो राजा है, सम्राट भी इसको कहते हैं, किंग ऑफ पल्स क्रॉप, कोई दिक्कत। इसके अलावा चिकपी इसको कहते हैं, ग्राम भी कहते हैं इसको, बंगाल ग्राम भी कहते हैं, और ये क्या है, दलहनी फसलों का राजा। राजा किसमें आती है, रानी किसमें आती है भाई, मटर में आती है, रानी कौन है, मटर है, ठीक है। अब आ जाइए नंबर सेकंड पे चलते हैं, तो मटर रानी है। अब आ जाओ भाई इसको क्या कहते हैं, टेबल पी, इसका अर्थ ये हुआ कि जो मटर है इसको कहां पर रखेंगे, टेबल पर रखेंगे,
मटर को कहां पर रखेंगे, टेबल पर रखेंगे और उसके बाद में टेबल पर बैठ के उसको खाएंगे, कोई दिक्कत? मटर को कहां पर रखेंगे, टेबल पर रखेंगे, ऐसा याद रखना। नंबर थर्ड की बात करता हूं मैं यहां पर, तो आ जाएगा मेरे दोस्त मूंग। देखो कई बार तो क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी दलहनी फसल, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है, एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा गया है भाई जनरली। हरचंद देवासी बिल्कुल ठीक है। अब देखो मूंग का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, तो क्या कहते हैं ग्रीन ग्राम, मतलब ग्राम में ही आएंगी सारी की सारी फसलें, तो रंग होता है इसका हरा और हरे को क्या कहते हैं ग्रीन, तो क्या कह दिया ग्रीन ग्राम। और एक आता कैच क्रॉप, क्या आता है भाई कैच क्रॉप। अच्छा सर कैच क्रॉप क्या होती है ये तो आपने बता दिया, लेकिन कैच क्रॉप होती क्या, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मूंग के दानों को फेंका और कैच कर लिया, उसको कैच क्रॉप थोड़ी कहते, उसको नहीं कहते, उस फसल को कहते। जैसे मान लिया मूंग खरीफ में आती है सभी को पता है, जैसे सर लगाया हमने बाजरे की फसल लगाई, जैसे अभी खरीफ की सीजन चल रहा है ठीक है, तो खरीफ की फसल में हमने लगाया सर आपका बाजरा, बाजरा किसी वजह से क्या हो गया पूरा नष्ट हो गया, किसी भी वजह से कोई रोग लग गया, कीट लग गया ठीक है, तो वहां पर अब क्या करेंगे, अब ऐसा थोड़ी कि किसान उस खेत को खाली छोड़ देगा, पड़ते रह जाने देगा, ऐसा थोड़ी, वहां पर ऐसी फसल लगाएगी जो कम समय में जल्दी तैयार हो और उसकी पैदावार भी क्या हो अच्छी हो, तो वहां पर फसल कौन सी लगाता है किसान, मूंग लगाता है। कैच का मतलब है कि वहां पर लगाएंगे फसल को वो जल्दी तैयार होगी, उत्पादन प्रोडक्शन भी क्या होगा उसका ज्यादा होगा, कोई दिक्कत, तो उस फसल को कहते हैं अपन कैच क्रॉप। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कैच क्रॉप क्रॉप कौन सी, ठीक है भाई। अब आ जाएगा यहां पर बात करते हैं मोठ, नंबर फोर। मोठ के जो दाने हैं वो अपने जो किडनी होती है ना, किडनी सभी के हैं, दो दो पाई जाती है, मतलब एक जोड़ी, तो किडनी के आकार की होती है, मतलब इसके बीज का जो आकार होता है वो किडनी के समान होता है, तो इसको नाम क्या दे दिया किडनी पी, किडनी पी। और मोठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं मोथ बीन, क्या कहते हैं भाई मोथ बीन, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा हो। अब आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं नंबर फाइव, चावला। नंबर फाइव आता है यहां पर चावला, तो देखो भाई चावला को अपन लोबिया भी कहते हैं, चावला के बीजों का जो रंग होता है सफेद, और गाय हमारी माता है, गाय का रंग भी कैसा होता है, देसी गाय की बात कर रहा हूं तो रंग सफेद, तो गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं काऊ, तो काऊ पीस का नाम है काऊ पी, काऊ पी। और इसको क्या कहते हैं कवर क्रॉप, कवर क्रॉप भी कहते हैं, कवर का मतलब होता है उस जगह पर आरक्षण करना, मतलब आसपास की जमीन को ये ढक लेते हैं, इतनी बड़ी होती है फैलती है, जिससे क्या होता है मिट्टी का कटाव नहीं होता ठीक है। इसके बाद में लास्ट में आता है आपका अरहर, आ गया अरहर रह गया लास्ट में, तो चलो बात कर लेते हैं अरहर। अरहर के बीजों का रंग होता है रेड, तो क्या कहते हैं रेड ग्राम, क्या कहते हैं भाई रेड ग्राम, ठीक है संजय बिल्कुल। और आपका एक तो रहता है इसमें पीजन पी, पीजन पी ठीक है भाई, ये अन्य नाम हो गए, अन्य नाम से भी आपके बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो आज अपन इतनी ही बात करेंगे, इसके अलावा थोड़ा बहुत और रहता है इसमें निचोड़, वो अपन कल की क्लास में फिनिश करेंगे। इसके बाद में आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और मिलते हैं शाम को 7 बजे एग्रोनॉमी के ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।